अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। CAA लागू हो चुका है, सभी जानते हैं। ये कानून मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया। वैसे अब भारत में एक ही काम रह गया है कि मुसलमानों को निशाना बनाओ और सत्ता हासिल करो। अगर किसी को अचानक शॉर्टकट के जरिए लीडर बनना भी है तो मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों को मारने काटने की बात करो, अपने आप आपका कद किरदार समाज में बढ़ जाता है। खैर, आज इन्हीं के मद्देनजर दो तस्वीरें दिखाएंगे, साजिशें कहां तक चली जा रही है और मुसलमानों की सोच कहां तक है। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून पर बात करने से पहले आज की उस वारदात का भी जिक्र जरूरी हो जाता है जिसे लेकर हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से दिल्ली में एहतजाज किया गया। एहतजाज किसलिए किया गया ये भी सुनकर आपको ताज्जुब होगा। अभी हाल ही में दिल्ली में सड़क पर नमाज अदा करते हुए मुसलमानों को लात से मारने वाले पुलिस अफसर मनोज कुमार तोमर को नौकरी से माजूल किया गया, इनके सस्पेंड कर दिया गया। लिहाजा हिंदू रक्षा दल ने आज पुलिस अफसर ने जो लात मारी सही थी और पुलिस अफसर पर कार्रवाई करना गलत कहते हुए फिर से उसे यानी कि मनोज कुमार तोमर को नौकरी पर लिया जाए का मुतालबा पेश किया। कसीर तादाद में हिंदुत्व तंजीमों ने मुसलमान नमाजी को लात मारने की हिमायत की और पुलिस अफसर पर कार्रवाई की मजम्मत की। काफी देर तक हनुमान चालीसा पुलिस हेडक्वार्टर के सामने पड़ा गया। खैर, कल CAA को लागू किया गया। यकीनन CAA और NRC सिक्के के दो पहलू हैं। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है ये भी अब अलग से भी और बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। पर अब जिन मुसलमानों को लेकर इतने बड़े पैमाने पर साजिशें चली जा रही है उन मुसलमानों का भी तो हाल देखना जरूरी है। आज हैदराबाद में मुसलमानों की एक भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आप गलत फहमी में ना रहे कि ये तमाम मुसलमान CAA के लिए सड़कों पर नहीं उतरे थे या एहतजाज कर रहे थे, बल्कि मुफ्त में हलीम मिलने के ऐलान के बाद मुसलमानों की इतनी भीड़ हुई कि पुलिस को आखिर लाठीचार्ज करना पड़ा। अब सिर्फ ये एक वाकिया है, अब मुसलमानों की ये हालत है, मतलब इन्होंने अपनी जिंदगी ही अच्छे खाने पीने के लिए वफ कर दिया है। इन्हें क्या कानून बनाए जा रहे हैं, क्या साजिशें अंजाम दी जा रही है, इसका एहसास भी नहीं है। आज भी इतना सब कुछ होने के बाद मुस्लिम समाज होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं। खैर, अब CAA को लेकर कितना खतरनाक मंसूबा इनका है इसे भी समझने की जरूरत है। मुसलमानों का जो नुकसान होगा वो तो आने वाला वक्त में नजर आएगा, लेकिन क्या अक्सरियत हिंदुओं के लिए तो यह कानून महफूज या फायदेमंद साबित हो सकता है? आज बेरोजगारी चरम पर है, सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, इतनी ही खुशी कुछ भक्तों में देखने को मिल रही। पर हकीकत यह है कि भक्तों का भी भविष्य इस कानून से तबाह हो सकता है। सिवाय मुसलमानों को छोड़कर दिगैर गैर मुस्लिमों को भारत में लाने की बात ही बुनियादी तौर पर ताज्जुब की है। जहां दुनिया भर में अपने देश में कोई दाखिल ना हो इसके लिए लोहे के तारों की सरहदें बनाई जाती है, पर भारत एक तनहा देश है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लाखों करोड़ों लोगों को महज अपना वोटर बनाने के लिए भारत में लाया जा रहा है, इनके लिए सरहदें खोली जा रही है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लोगों को भारत में लाया जाएगा, जिसका सीधा असर भारत के मुसलमानों को तो छोड़ो हिंदुओं की आने वाली नस्ल भी इससे मुतासिर होगी। आखिर करोड़ों लोगों को रहने खाने पीने का इंतजाम कैसे किया जाएगा? यकीनन भाजपा का यह खेल सियासी तसल्लुत कायम रखने का है। अगर 1.5-2 करोड़ में भारत में ज्यादा बाहरी लोग आते हैं तो इसका किस कदर असर हो सकता है यह यहाँ की अक्सरियत हिंदुओं को ही सोचना होगा, क्योंकि मुसलमान तो निशाने पर है ही और मुसलमानों को निशाने पर लाने से काफी लोग खुश भी हैं। जहां आज बेरोजगारी की क्या हालत है, महंगाई किस इंतहा की ऊंचाइयों पर बैठी है, लिहाजा सिर्फ मुसलमानों को ही इसका ज्यादा नुकसान होगा। इस गलतफहमी में यहाँ का अक्सरियत तबका न रहे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 2014 से पहले जो भी घुसपैठिए पड़ोसी मुल्क से आए हैं उन्हें शहरियत बहाल की जाएगी। अब इस सियासी जुमले को भी समझें। इसी तरह से आगे आने वाले चुनाव में 2024 से पहले के गैर मुस्लिमों को शहरियत दी जाएगी कहा जाएगा। यानी कुल मिलाकर हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाते हुए भाजपा अपने वोटरों को बढ़ाने के काम को अंजाम तो दे रही है, पर मुल्क के सामाजिक माशी तहजीबी तनजुल पर भी असर होगा। यानी कि बैलेंस नहीं होगा। आसाम में इसकी मुखालिफत होनी थी क्योंकि बांग्लादेश से पहले ही लाखों लोग आ चुके हैं और इनकी पहचान मुश्किल इसलिए क्योंकि आसाम, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के दिगर सरहदी इलाकों में तहजीब इनकी एक जैसी है, जुबान एक जैसी है, जिससे यहाँ एक तरह अफरा तफरी का माहौल पैदा हो सकता है। लेकिन मुसलमानों को दूसरे शहरी और एक समाज को निशाना बनाने की ज़हनियत से भाजपा मोदी सरकार मनमानी कानून, मनमानी फैसले लिए जा रहे, जिसकी कीमत मुल्क के मुसलमानों के साथ
इस मुल्क की अक्सरियत हिंदुओं को भी चुकानी पड़ सकती है। चुनाव के नजदीक इस कानून के नोटिफिकेशन को जारी करना यह साफ जाहिर करता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी मुफाद हासिल करने के लिए फिर से सीएए को इस जिन को बाहर निकाला गया। कुछ लोगों ने मोदी सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड के गफले की पोल न खुल जाए इसके लिए सीएए को जानबूझकर लाया गया है, ऐसा भी कहा जा रहा है। वैसे देखा जाए तो हजारों करोड़ के गफले इस दौरान हुए हैं, लेकिन तमाम गफलों की अहमियत उस वक्त घट जाती है जब मुसलमानों को कड़गरे में खड़ा कर इन्हें मुजरिम पेश किया जाता है और धीरे धीरे अवाम की भी अब समझ में आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भी अच्छा मुजाहरा कर सकती है, ऐसा सियासी माहिरीन और कुछ एग्जिट पोल का भी कहना है। जो भी हो, लेकिन हैदराबाद में हलीम के लिए मुसलमानों का टूट पड़ना इस बात की दलील है कि कौम बेहिस हो चुकी है। और न सिर्फ मामला यह हैदराबाद तक महदूद न समझे, बेलगाम और दिगर शहरों की भी तस्वीर आपको कुछ अलग देखने को नहीं मिल सकती। होटलों, बाजारों, कपड़ों की दुकानों में ही ये भीड़ नजर आएगी। अपने हक और अपने मौकूफ, अपने दीनी हुकूक के खातिर शायद ही सड़कों पर उतर कर एहतजाज करेगी, क्योंकि हमने जिंदगी जीने के रास्ते ही अलग बना लिए हैं, उतना ही अहम है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। भाई मनोज तोमर के समर्थन में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर सभी सनातनियों की भीड़ आप देख सकते हैं। मनोज तोमर के समर्थन में हिंदू समाज सड़कों पर। अब कुछ अहम खबरों पर एक नजर। आज बेलगाम में तिलकवाड़ी पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए 270,000 का हुक्का के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों को सीज किया गया। इस वक्त डीसीपी रोहन जगदीश मौजूद रहे। ನಾವೇನ್ ಕಂಡುಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿ ಆ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋ ಹುಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಈ ನಿಕೋಟಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತಂಬಾಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಏನೋ ಆ ಉಪಕರಣ ಅದೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಕ್ಕದ ಉಪಕರಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಒಂದು 3 feet ಹೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಈ ರೇಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 256,600 rupees ಅಷ್ಟು ನಾವೊಂದು ಸಾಮಗ್ರಿನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. कल एमईएस के नेता शुभम शेड़के को मालमारुती पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक शुभम शेड़के ने कन्नड़ मराठी तनाजे को बढ़ावा दिया, ऐसा इल्जाम पुलिस महकमा की जानिब से किया गया है। दफा 110 के तहत गिरफ्तारी अमल में आई है, ऐसा भी बताया गया। 5वीं, 8वीं और 9वीं के लिए फिर से बोर्ड इम्तहान को मुलतवी किया गया, ऐसा दूसरी बार हुआ है जब अदालत ने इस पर रोक लगा दी है। लिहाजा बोर्ड एग्जाम रद्द नहीं हुए, मुलतवी हुए है, ऐसा भी कहा गया है। रद्द होने की अफवाहें हैं। जो भी हो, फिलहाल फिर से इम्तहान को मुलतवी किया गया, इतना सच है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।